हाय गाइस वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं ड्रॉप आउट चैनल से डैंक इंडियन मीम्स फनी वीडियो, इंडियन मीम्स वायरल मीम्स वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स एंजॉय द वीडियो। ये क्या, ये कपड़े काम क्यों लग रहे हैं? यार क्या हुआ? देख भाई ये क्या है? अबे ये तो लड़कियों की बिरा है, एकदम कड़क माल है ना। और तुम्हारे पास कहाँ से आई? ऊपर से गिरी है किसी लड़की की। खुशबू तो बहुत सही है इसकी। क्या बोला तूने? खुशबू तो बहुत सही है इसकी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देख अगली बार। अरे मैडम आप बस हाथ ही बाहर कर रहे हो, आप भी तो बाहर आओ ना। अच्छा सच में देखना चाहते हो? जी ठीक है। बहन तू? हाँ मैं। क्या हो गया? खुशबू तो बहुत अच्छी है, अपनी बहन की खुशबू अच्छी नहीं लगी? हाँ मैं। हाँ? शरण करो भगवान से, डरो भोसड़ी। क्यों अपनी बहन की खुशबू अच्छी नहीं लगी? उसकी ब्रा की खुशबू। जय श्री राम। So, अगर आप छोटा भीम होते एक दिन के लिए, ठीक है, तो आप किसको पिक करोगे, राजकुमारी इंदुमती को या चुटकी को? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। टुनटुन मौसी। क्यों? क्योंकि वो मुझे डेली अपने लड्डू देगी। तू समझा? लड्डू देगी भाई, तुम्हारा दिमाग हमेशा गलत दिशा में क्यों जाता है? इसका मतलब है, इसका मतलब है। ओहो छमक छल्लो कहाँ चली? बेबी देखो ना वो लफंडर मेरे को छेड़ रहा है। छोड़ो उसे, इग्नोर करो, हम चलते हैं यहाँ से। लड़का मेरे को छेड़ रहा है और तुम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, तुम्हें मेरी तो तेरे हाथ नहीं है क्या? बात तो सही है। जो तुमने मेरे साथ यहाँ करा है ना वो तुम्हें वहाँ करना था। चलो अब जो तुमने मेरे साथ वहाँ करा है वो यहाँ करो। Women. खाली है भाई। देखो आप हमारे शो के प्रोड्यूसर है, आप ही का शो है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो आप तो घर के आदमी हो गए, आपकी इजाजत हो तो मेहमानों से बात कर लूँ मैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मुझे जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हाँ जी, एक संतरे वाली कुल्फी आती थी, आपको देख के उसकी याद आ गई आज। मैंने बहुत खाई है कुल्फी, खाई है ठीक है। भाई के बारे में गलत नहीं बोलने का। शादी करना है या नहीं? शादी में दोनों हाथ से बजती है ना ताली। आप खुद के साथ भी तो ताली बजा सकते हो ऐसे करके। बजाता ही हूँ अभी, बट कितनी बार बोला कि रात को सोने से पहले खिड़की बंद कर दिया कर। मगर क्यों? रात में बिल्ली आई थी, सारा दूध पी गई। तो मैं खिड़की बंद करना भूल गया तो तू कंबल ओढ़ के सो जाती। तू समझा? मैं भगोने का दूध पी गई साले खरकी। मैं स्टेज पे खड़े होकर गाती ना, अच्छे अच्छों के कान खड़े हो जाते। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोहतरमा उसे कान नहीं कहते। क्या? वाओ। असल मुहावरा कान खड़ा होना नहीं है, रोंगटे खड़ा होना है। हाँ। इतना गंदा आदमी मैं है। भगवान करे आपका पिक्चर सुपर शेख बोल रहा है, शेख बोल रहा है भगवान करे भाई, मुंह से निकल जाता है असलियत। हाँ कुछ दिन पहले की बात है, ठीक है, मेरी जो कैट है, कैट थी मेरे पास। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हाँ सुन तो लो, उसकी डेथ हो गई। So, can I play with your pussy? बहुत सही। मतलब इतनी अच्छी अच्छी बात करके, ठीक है, पेट के बारे में बात करके। अंग्रेजी मीडियम। शाबाश बेटा। अच्छा टीचर यहाँ आ रहे हैं, जल्दी से तुम आप उस तरफ मुंडी कर लो। इसका क्या होगा अंग्रेजी? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। टीचर स्किम्स
कैम्स हियर एंड प्रिया बैकवर्ड स्टार्ट करो। बैकवर्ड क्या बोल रही दीदी? एक्सक्यूज मी सर। कहिए। क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहे और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? 100%? जी हाँ सर। भाई साहब अपने बाल खुद काट रहा है, लेकिन ये 100% दिमाग की निशानी नहीं है पर जी। बिल्कुल नहीं है, मुझे कोई अंदाजा नहीं। देखो 500 रुपए का नोट जो है ये तुम्हारा होगा, ठीक है? ठीक है, जो भी सच को पता लगाएगा। ठीक है ठीक है। देखो इधर कितने हैं, इधर कितने, इधर कितने, इधर कितने, टोटल 6-6 है ना। अब देखो तुम, चलो भाई देखो दिमाग का खेल। अब कितने इधर, ठीक है? अब इसमें कितने, ठीक है? इसमें कितने, ठीक है? इसमें कितने, अब इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, तो ये चार कहाँ गया फिर ये बताओ भाई। अरे भाई साथ में गिनने के साथ क्या बात है। तो आप बढ़िया ट्रिक थी। किसी खास विषय में नॉलेज रहती है कि हर किसी विषय में आप नॉलेज रखना चाहती हैं? जैसे टेस्ट करने वाले हो? नहीं नहीं मैं टेस्ट नहीं करने वाला, मेरी तो खुद बड़ी वीक है। ऐसे फन के लिए पूछता, लाल किला कहाँ पड़ता है? लाल किला पंजाब। लाल किला, रेड फोर्ट, आगरा, आगरा, आगरा। वो रेड फोर्ट दूसरा है मोहतरमा। ऐसा ही होता है। आदर्श बेटा आपको गाय के ऊपर निबंध लिखना है। ठीक है समझ गया, चलो शुरुआत शुरू हो जाओ। आइए देखते हैं इतना छोटू सा बच्चा जो कि बोर्ड पर भी नहीं पहुंच रहा। निबंध लिखना है, शुरू हो जाओ। लो लिख दिया गाय पर निबंध। हाय राम, बालक बालक थोड़ा सा। भाई देख यार, देखो टीचर ने जो कहा बच्चे ने वो कर दिया, ठीक है? बच्चे बन के सच्चे यार, ठीक। उन्होंने कहा गाय पर निबंध लिखो, बच्चे ने नीचे गाय लिखा, उसके ऊपर निबंध लिख लिया। हो गया गाय पर निबंध। देखो क्या होता है अगर टीचर्स ढंग से समझाए, ठीक है, कि बेटा गाय पर जब कोई निबंध लिखने को कहे तो गाय के बारे में लिखना होता है ना, या ऐसे बोलना चाहिए कि गाय के बारे में चार पंक्तियां लिखो, चार सेंटेंस लिखो, चार वाक्य लिखो, है ना, चार लाइन लिखो, तो ऐसे अगर बोलते तो शायद बच्चा लिख लेता। वो इतना छोटू सा बच्चा है, पूरा वर्ड तक भी नहीं पहुंच पा रहा है और गाय पर निबंध लिखने को कह दिया। बताओ अभी कैसे लिखेगा बच्चा, बताओ। उसने तो सैवेज वाला कर दिया काम यहाँ पर, गाय पर निबंध। हद हो गई। सो गाइज आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।